नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। ये चुनाव तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आज वोटिंग बूथ से एक ऐसा बयान और एक ऐसी घटना सामने आई है जिस पर बात करना जरूरी है। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप जितनी देर तक इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो की रीच ज्यादा होगी और शायद ये वीडियो चुनाव आयुक्त तक पहुंच जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को ये आवाज सुनाई दे जाए कि आज देश आपसे जवाब मांग रहा है। वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि चुनाव के दौरान बड़े अधिकारियों और जवानों के बीच किस तरह का भेदभाव किया गया और इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो क्या चुनाव आयोग की जवाबदेही नहीं बनती है। एक ऐसे आदेश की कॉपी आपको दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देगा। इस वीडियो के जरिए देश को यह जानना जरूरी है कि हम पाखंड के कैसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जहां देश के सबसे बड़े नेता कैमरों के सामने चुनावी तपस्या पर निकल जाते हैं और उसको लेकर बीजेपी के सांसद, बीजेपी के उम्मीदवार मातम के माहौल में महिमामंडन करते हैं और ऐसा बेशर्म बयान देते हैं जिसे सुनकर बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन बात मजाक उड़ाने की नहीं है, बात गंभीर है। पहले आपको सुनाते हैं बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, जिसे बहुत सारे लोग मजाक के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन मामला मजाक का नहीं है। रवि किशन कई सारे टीवी चैनलों के साथ बातचीत करते हुए बयान देते हैं कि पीएम मोदी ने सूर्य देवता को शांत कर दिया। वोटिंग के बाद गोरखपुर में प्रत्याशी रवि किशन ने गजब कह डाला, ये आप खबर की हेडलाइन देख सकते हैं। वोट डालने के बाद रवि किशन कहते हैं कि प्रधानमंत्री साधना में बैठे हैं और सूर्य देवता को उन्होंने शांत कर दिया है, ये ऐतिहासिक है। भीषण गर्मी में आज हवा चल रही है और आगे कहते हैं कि ये राम राज्य का बहुत ही बड़ा संकेत है। तो जनता को कितना मूर्ख समझ लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में साधना में बैठे बैठे गोरखपुर में सूर्य को शांत कर दिया और तेज हवा चला दी है, लेकिन कैसी दैवीय शक्ति है। पहले आपको आगे गंभीर मामला बताएंगे, पहले बताते हैं कि इसको लेकर कैसे कटाक्ष किए जा रहे हैं। राफेल गांधी कहते हैं कि अबे पाखंडी रवि किशन, सूरज कोई लहंगा थोड़े है जो कोई रिमोट से उठा दे और गिरा दे। इसके अलावा केआरके कहते हैं कि आज वोटिंग के बाद रवि किशन ने कहा प्रधानमंत्री साधना में बैठे हैं और उन्होंने सूर्य देवता को शांत कर दिया है, ये ऐतिहासिक है, इसीलिए भीषण गर्मी में आज हवा चल रही है। बीजेपी के नेताओं ने कुछ भी बोलने का ठान लिया है और उन्होंने मान लिया है कि 140 करोड़ भारतीय सूतिया हैं और वो 100% सही हैं। तो ये केआरके कटाक्ष करते हैं। वहीं अश्विनी सोनी कहते हैं प्रधानमंत्री ने सूरज को शांत कर दिया, ये टेक्नोलॉजी देश से बाहर नहीं जानी चाहिए वरना दुनिया देखेगी तो हंसेगी हम पर कि ऐसे लोग सांसद थे। वहीं डॉक्टर मोनिका सिंह कहती हैं हे राम, संसद की रक्षा करना। रवि किशन कह रहे हैं कि साधना में बैठे पीएम मोदी ने सूर्य देवता को शांत कर दिया है। कल ही खबर आई थी कि गर्मी की वजह से चुनाव ड्यूटी में लगे 26 लोगों की मौत हो गई, जिस संसद में नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, शास्त्री जी, अटल जी जैसे विजनरी नेता बैठते थे, उसमें रवि किशन जैसे नेता बैठे हैं जो अपने नेता को खुश करने के लिए कुछ भी बोलने से गुरेज नहीं करते। लोकतंत्र सच में खतरे में है प्रभु। दोस्तों, रवि किशन के इस बयान को लेकर लोग उनका मजाक बना रहे हैं, लेकिन मामला सिर्फ मजाक का नहीं है, मामला सिर्फ ट्रोलिंग का नहीं है। रवि किशन को यह बताना चाहिए कि अगर पीएम मोदी ने साधना में बैठे बैठे गोरखपुर में ठंडी हवा चला दी तो दैवीय शक्ति आखिरकार मिर्जापुर में काम क्यों नहीं कर पाई। 6 होमगार्ड जवानों की मौत हो जाती है, कई अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं जिन जवानों की ड्यूटी चुनाव में लगी है। आज हमारे पास देखिए टोटल अभी तक हमारे पास 23 जवान आए हैं, जिनमें से एक पीएसी का है, एक फायर सर्विस का है, एक सिविल पुलिस का है और बाकी 20 हमारे होमगार्ड जवान थे। होमगार्ड जवानों में अभी जस्ट एक मॉर्टेलिटी हुई है, इसको मिला के 6 जवान हमारे इस समय मॉर्टेलिटी मौत हो गई है, बाकी सभी को निकालिए सेटल्ड हैं। 2% अभी हमारे 2 जवान वो अभी थोड़ा गंभीर अवस्था में। कारण क्या है? इनका कारण ये है कि हमारे पास जब आए हाई ग्रेड फीवर था और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है सबका आ रहा है, डायबिटीज शुगर बहुत बढ़ी हुई आ रही है, ब्रेन स्ट्रोक के भी चांस हो सकते हैं क्योंकि सडनली जो हिस्ट्री मिली मुझे कि वहीं गिरे हैं, तो हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड ये बीपी, उसकी वजह से इनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है जिसकी वजह से मौत का कारण हो सकता है। ड्यूटी करने आए थे, ये चुनाव ड्यूटी में आए हैं और डिफरेंट जिले के हैं। इस घटना को लेकर बड़े पत्रकार क्या सवाल उठाते हैं? प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी को तो लेना चाहिए, किसी से तो पूछा जाना चाहिए, किसी को तो पूछना चाहिए। चलिए मैं पूछ लेता हूं चुनाव आयोग से, कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री लिखते हैं अब से देश में कोई भी चुनाव मुखिया से लेकर लोकसभा तक मई के पहले हफ्ते के बाहर नहीं जाना चाहिए, 7 मई तक समूची चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए।
इस दफा प्रचंड गर्मी में चुनाव ने सैकड़ों जाने ली हैं। ये अपराध अभी कभी दोहराया नहीं जाना चाहिए। तो ये अमिताभ अग्निहोत्री सवाल उठाते हैं और किन हालात में हमारे देश के जवान, होमगार्ड के जवान हो, पुलिस के जवान हो, सुरक्षा बलों के जवान हो, ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा जो शिक्षक है या दूसरे महकमों के अधिकारी हैं जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, क्या हालत हो गई, एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ये वीडियो पोस्ट करते हुए कहते हैं कि तानाशाही ने प्रचंड गर्मी में चुनाव करवाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोग गर्मी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए वीडियो शेयर करते हैं और जरा वीडियो देखिए किस हालत में हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। देखिए पानी के छींटे मारे जा रहे हैं। तो कई जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो चुनाव आयोग से गंभीर सवाल पूछती हैं। और दोस्तों, जवानों, आम कर्मचारियों और बड़े अधिकारियों में अंतर क्या है, अब आपकी आंखें खोलने वाला एक नोटिस मैं आपको दिखाता हूं। पत्रकार अनिल यादव ने यह पोस्ट किया है। वो कहते हैं, इसलिए आई लव माई इंडिया, चुनाव ड्यूटी में लगे मजिस्ट्रेट को सुबह 4 बजे जगाने के लिए 5 लेखपाल की ड्यूटी लगाई गई है। मतलब 5 लेखपाल की ड्यूटी लगाई गई है मजिस्ट्रेट को सुबह 4 बजे जगाने के लिए। और दूसरी तरफ हमारे जवान किन हालात में नौकरी करते हैं, एक तरफ जगाने के लिए लेखपाल की ड्यूटी लगाई जा रही, एक अधिकारी को जगाने के लिए 5 लेखपाल की ड्यूटी लगाई गई है। ये आप देख सकते हैं नोटिस बकायदा, और ये नाम लिखे गए हैं उन लेखपाल की जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। ये सरकारी आदेश है, ये अनिल यादव ने शेयर किया है और इसमें साफ लिखा गया है कि सुबह 4 बजे जगाने के लिए निम्न कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाती है। एक तरफ बड़े अधिकारियों को सुबह 4 बजे जगाने के लिए लेखपाल की ड्यूटी लगाई जाती है, दूसरी तरफ हमारे जवान ऐसे हालात में नौकरी करते हैं जहां कूलर नहीं है। बड़े अधिकारी एसी में आराम तलब रहते हैं, एक आध बार निरीक्षण करने निकल जाते हैं, उससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं है। लेकिन जवानों की जिंदगी का क्या कोई मोल नहीं है, और क्या ऐसे मौसम में चुनाव कराने चाहिए थे? 7 चरण के चुनाव, क्या हमारा देश, दावा किया जाता है विश्व गुरु बनने वाला है, तो क्या 3 चरण में 4 चरण में हमारे देश में चुनाव नहीं हो सकते? और क्या ऐसी प्रचंड गर्मी में चुनाव कराए जाने चाहिए? बहुत सारे लोग रैलियों में भी ऐसे ही परेशानी का शिकार हुए होंगे। रैलियों से लेकर चुनाव ड्यूटी तक तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो झकझोर देती हैं। और बड़े अधिकारियों और जवानों के बीच आखिरकार ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है, गंभीर सवाल उठता है। इसको लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और चुनाव आयोग को आगे के चुनाव में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में इतनी प्रचंड गर्मी में चुनाव ना कराए जाएं। और कम से कम रवि किशन जैसे उन सांसदों को भी शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ गर्मी से जवानों की जान जा रही है, दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री के महिमामंडन में ऐसा बयान देते हैं कि देखिए साधना से सूर्यदेव के ताप को शांत कर दिया। आप ऐसी चापलूसी और चुनाव आयोग की ऐसी अनदेखी को लेकर क्या सोचते हैं जिसकी जवाबदेही जिम्मेदारी पूरी तरह चुनाव आयोग की बनती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।